एक सामान्य 50 साल के पेड़ का मूल्य कितना होगा? 1,61,31,530 रुपए से भी अधिक। मनुष्य जीवन से ज्यादा मूल्यवान एक पेड़ का जीवन है। अगर पेड़ ना होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता। एक पौधे से पेड़ बनने में कितना समय लगता है? 10 साल, 20 साल। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि कितने लोग मरे हैं। यह कोई नहीं पूछता कि कितने पेड़ नष्ट हुए हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार की रात भयंकर समुद्री तूफान मैंडोस तमिलनाडु के तट से करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। इस तूफान के कारण मात्र 3 घंटे के अंदर 80 मृत्यु हुई है। अंतर केवल इतना है कि यह 80 मनुष्य नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़ थे। इस तूफान के कारण मात्र 3 घंटे के अंदर 1,000 घर टूट चुके हैं। अंतर केवल इतना है कि ये घर मनुष्यों का नहीं बल्कि जीव जंतु पक्षियों के है। कर्म करे कोई, भोग करे और कोई। हमारे मनुष्यों के कुकर्मों के कारण आज जलवायु परिवर्तित हो चुका है। इसीलिए तो ठंडी के मौसम में अर्थ दिसंबर में भी तूफान हो रहे हैं। थोड़ा कल्पना कीजिए मित्रों, क्या अवस्था हुई होगी उन छोटे छोटे जीव जंतु एवं पक्षियों की जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद अपने लिए उन बड़े बड़े पेड़ों पर अपना छोटा सा घर बनाया था। महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण एवं अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे तब एक पक्षी तेजी से उड़कर श्री कृष्ण जी के पास आकर कहती है, हे प्रभु, कल से युद्ध आरंभ हो जाएगा और इस युद्ध भूमि में मैं और मेरे बच्चे निवास करते हैं। हमारी रक्षा कीजिए वरना हम सब मारे जाएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उस पक्षी से कहते हैं कि जाओ अगले 18 दिनों का खाद्य संग्रह कर लो। युद्ध आरंभ के दिन शंख बजने से पहले श्री कृष्ण अर्जुन से धनुष लेकर एक तीर मारते हैं एवं वो तीर एक हाथी के गर्दन पर लगा घंटी को नीचे गिरा देता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी को चिढ़ाकर कहते हैं कि हे प्रभु, आपका निशाना तो चूक गया। युद्ध शेष होने के बाद लाशों से भरे पड़े युद्ध भूमि पर फिर से श्री कृष्ण एवं अर्जुन निरीक्षण करने निकलते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जमीन पर पड़ा उस घंटी को जाकर उठा दो। जब अर्जुन उस घंटी को उठाते हैं तो उसके नीचे उपस्थित माँ पक्षी एवं उसके बच्चे फुर से उड़ जाते हैं और अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण जी को देखते रहते हैं। सनातन में पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु पक्षी सबका सम्मान ही नहीं पूजा करना भी सिखाया जाता है क्योंकि इनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।